ओके सो अदिति, एज यू नो लाइक कनाडा में अकोमोडेशन एंड लाइक हाउसिंग क्राइसिस कितने ज्यादा बढ़ गया, एंड उस वजह से हमने ये भी सुना है कि इमिग्रेंट्स को अब गवर्नमेंट ने बुलाना भी स्टॉप कर दिया है। आप तो एज अ पीआर यहाँ पे रहते हो, तो आपने लाइक आप कुछ सजेशन देना चाहोगे इस बारे में अपना? तो यार पता है यहाँ पे ना सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं और सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। एकोमेंडेशन के बारे में ये बोलना चाहूंगी, जितना मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, आई एग्री कि हम एक अच्छी जगह रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। आई टोटली एग्री विद दैट, बट ट्रस्ट मी इन लॉन्ग रन यू विल ग्रो मोर। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर मैं कहती हूँ हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हाउ मच दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर लिविंग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई बेसिक नेसेसिटीज। तो एक सजेशन है, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट दीज डेज कि हमें घर नहीं मिलते हैं अच्छे, बट ऐसा नहीं है, कोशिश करोगे तो मिलेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जैसे मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, बट या एकोमेंडेशन आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, अगर आपके पास रेफरेंसेस अच्छे हैं तो आपको अच्छे से अकोमेंडेशन मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी जगह रहोगे तो अच्छा ग्रो करोगे, अगर आप ये रखोगे कि नहीं मैं वहाँ पर सेविंग कर रहा हूँ तो सच में आप वहाँ पे सेविंग नहीं कर रहे हो, जो आपके पैसे बचते हैं वो आप अननेसेसरी चीज़ों पे इट स्पेंड कर विल रहे हो। डायरेक्टली अफेक्ट योर मेंटल मेंटल हेल्थ। हेल्थ, यू डोंट फील लाइक गोइंग बैक होम। मेरे बहुत एग्जैक्ट सारे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि दीदी वी डोंट फील लाइक गोइंग होम, क्यों? क्योंकि उनको वो जगह घर नहीं लगती है। बेसमेंट्स ऑल ब्लैक, यू डोंट फील लाइक गोइंग बैक टू योर होम। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि मुझे बेसमेंट्स में नहीं रहना है। एग्जैक्टली। बेसमेंट्स, आज बहुत अच्छी बेसमेंट्स मिलती हैं, बहुत लग्जरी बट बेसमेंट्स एक मिलती टाइम पे हैं, वो डिप्रेसिंग लगती बट है। वो डिप्रेसिंग होती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप अपने एक अच्छे घर में रहोगे तो अच्छा ग्रो करोगे। और आप पता है यहाँ पे, ठीक है मैं मानती हूँ इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल, ठीक है आई एग्री, बट स्टिल यू फील लाइक कॉलिंग पीपल टू योर होम, यू फील लाइक चल यार मेरे घर बैठते हैं, यू डोंट हाँ फील लाइक गोइंग आउट। और मेरे जैसों के लिए तो बहुत जरूरी है एक अच्छी जगह रहना, क्यों? आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो एक ऐसा लाइवली सा माहौल होना चाहिए, स्पेस चाहिए एक आपको स्पेस अपनी। चाहिए, एक मेरा फेवरेट कॉर्नर चाहिए कि जहां मुझे सुबह उठ के स्ट्रेस ना लगे, ओ यार काम करना है। आई फील वेरी हैप्पी, आई फील सो हैप्पी। और द बेस्ट पार्ट अबाउट माई कॉन्डो इज इट्स अ सी एंड टावर व्यू, वाह तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई लिविंग, आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर, मैं बस बाहर जाती हूँ, 2 मिनट वहां खड़ी हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ अदिति दैट्स इट, इट्स वर्थ इट्स वर्थ स्पेंडिंग। स्पेंडिंग, इट्स वर्थ एग्जैक्टली। स्पेंडिंग। सो मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी सारे एक्सपेंसेस आप अपनी लिविंग पे खराब कर दो, बट इफ यू कैन अफोर्ड जस्ट स्पेंड ऑन दैट, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, लाइक फॉरगेट अबाउट योर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एंड स्पेंड ऑन योर गुड लिविंग। ट्रू। और लोग कहते हैं कि हम तो घर रहते ही नहीं है, 4 घंटे रहते हैं, दो दो शिफ्ट लगाते हैं, उनके लिए भी बोलूंगी नहीं, सैटरडे संडे तुम घर होते हो, तुम जो 6 घंटे सोने आते हो वो तुम्हें एक अच्छी कंफर्टेबल लिविंग चाहिए, तो यू शुड स्पेंड गुड मनी ऑन योर रिकमेंडेशन। मे बी बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे बिकॉज पीपल हैव अदर व्यू कि तुम्हें लिविंग पे सेव करना चाहिए अपनी अकोमोडेशन पे सेव, नहीं, आई एम ऑन द अदर साइड, यू शुड हैव योर गुड प्लेस वेयर विच यू कॉल एज होम। या ट्रू। घर की याद आ गई मुझे। यू कैन कम ओवर, यू कैन कम ओवर स्लीप मैं ओवर। बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे रहती हूँ, लाइक इंडिया ओ की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पे मेरी है एक फैमिली जिनको मैं फैमिली मानती हूँ। मेरे ओके भैया दीदी के साथ वंडरफुल, में रहती हूँ, ओ एक्चुअली वो मेरे वंडरफुल, भाई के बेस्ट फ्रेंड्स है, तो वो मुझे अपनी बहन की तरह ही रखते हैं। ओ वंडरफुल, सी सो दैट्स व्हाई यू आर ग्रोइंग, एग्जैक्टली। शी इज आल्सो लाइक 1 ईयर, नहीं, 6 months। ओ माय गुडनेस, आई डिडंट न्यू दैट, आई थॉट यू वर, सी आई एग्जैक्टली। 6 months एंड यू सी मान्या हियर इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स अ बिग अचीवमेंट, ट्रस्ट मी। शी इज अ स्टूडेंट राइट, यस एंड शी इज मैनेजिंग हर यूट्यूब चैनल, हर स्टडीज, हर जॉब, यू कैन आल्सो डू इट, एग्जैक्टली। एनीबॉडी कैन डू इट इन दिस कंट्री। सब मिथ्स निकाल दो अपने दिमाग से, जॉब्स नहीं है, अच्छी लिविंग नहीं है, स्ट्रगल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बैक होम कंट्री में भी है,
जहां पे आप रह रहे हो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह उसको एज अ एक पॉजिटिव लो। और मैं सच इस चीज में बिलीव करती हूँ, माना जहां पे आप रहते हो जो जगह आपको खाने को देती है, आपको घूमने को देती है, आपकी लिविंग दे रही है आपको, आपको उसको तो कभी क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो चले जाओ ना वापस, नोबडी स्टॉप्ड यू, एग्जैक्टली राइट? यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस कंट्री एंड स्टिल यू आर सेइंग ओ माय गॉड दिस इज नॉट द कंट्री वी वांट, दिस इज नॉट, दिस इज, उन्होंने नहीं बोला तुम्हें आने के लिए, एग्जैक्ट नोबडी तुम्हारा खुद का फोर्स्ड यू। डिसीजन है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ कुछ अपनी लाइफ में कोई भी एनी डिसीजन इन योर लाइफ अगर आप लेते हो, उसको ओ करो, उसको ग्रेसफुली जीने की कोशिश करो, रेदर देन जस्ट टेलिंग कि मैंने ओ माय गुडनेस ये मैंने क्या कर लिया ना, तो अब उसको आगे प्रोसीड करो। एग्जैक्टली उसको पकड़ के मत बैठे रहो हाँ, यार यार अभी यार। मैंने लास्ट टाइम ही एक छोटी सी लाइन बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी थी मंडे मोटिवेशन में सुनाई थी, बट वो कहानी नहीं सुनाऊंगी, बस उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद पकड़ के बैठते हैं, प्रॉब्लम्स हमें नहीं पकड़ती हैं। हर दिन हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते जाते हैं, करते जाते करते जाते हैं, और वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। द मोमेंट यू विल रियलाइज कि हमें इस एफर्ट्स करने हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, आप कनाडा में आ गए हो, आपने डिसीजन ले लिया है, तो अब आप एफर्ट्स करो उसको ठीक करने के लिए, रेदर देन जस्ट सेइंग ओ आई एम हियर, आई कांट डू दिस थिंग, नाउ आई एम दिस थिंग, आई एम ऑल्सो फीलिंग सेम, आई एम ऑल्सो फीलिंग ऑल सेम स्ट्रगल दैट अदर पीपल आर लाइक स्ट्रगलिंग, बट यस स्टिल आई एम नॉट कीप ऑन टेलिंग अबाउट दैट स्ट्रगल्स। एग्जैक्टली ट्रू। मैंने लाइक अपना मोस्टली सारा पूरा जर्नी बता दिया कि कैसे आप कनाडा में रह रहे हो, बट हमें मालूम है कनाडा में आते ही गुडी गुडी सब नहीं मिलता, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी लाइक आपने अपनी जर्नी में किस किस टाइप के स्ट्रगल फेस किए एंड आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि यार नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है। सो लाइक स्ट्रगल्स जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई हैव द माई फैमिली सपोर्ट, तो मेरा दूसरों के कंपैरिजन में बहुत थोड़ा कम स्ट्रगल रहा जो इमिग्रेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि आई केम ऑन पीआर, तो उनका तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जोन है स्ट्रगल्स का। सो मेरे साथ क्या रहा, ऑब्वियसली आई स्ट्रगल विद फाइंडिंग जॉब्स, आई स्ट्रगल विद फाइंडिंग होम, आई स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद ट्रांजिट बिकॉज आई नो अ वेरी लिटिल अबाउट दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेयर, एंड देन आई ऑल्सो कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद माई डेली थिंग्स लाइक बर्तन धोना, घर मैनेज करना, काम के साथ खाना बनाना, बिकॉज बैक इन इंडिया आई वुड नेवर लाइक आई डिड नेवर एनी थिंग इन माई होम, लाइक आफ्टर मैरिज ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं था कि दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना ही करना है बिकॉज माई फैमिली वॉज सो सपोर्टिव। तो ये सब एक एक साथ सब कुछ मैनेज करना, और फिर सबसे वर्स्ट पार्ट, मुझे ना जब भी मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक मैं अभी थोड़ा टाइम पहले बीमार हुई थी, तो मुझे ना हमेशा ऐसा होता है कि कोई मेरे पास हो, मुझे कोई डॉक्टर के ले जाए, जैसे इंडिया में होता है ना कि आपको जैसे एक छींक भी आती है तो यू गो टू डॉक्टर, और यहाँ पे यू डोंट हैव ऑप्शन, बस आप बीमार होते हो, रोते हो और अपने आप ठीक हो जाते हो, नोबडी इज हेयर, इवन नोबडी इज हेयर टू गिव यू इवन अ कप ऑफ टी। सो दोज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स आई फेस लिटिल लिटिल, बट मे बी दीज आर नॉट स्ट्रगल फॉर अदर्स, फॉर मी इट वॉज स्टिल गोइंग थ्रू देम, बट स्टिल आई डोंट शो टू दोज, आई डोंट फोकस ऑन दोज स्ट्रगल्स इन माई लाइफ। फॉर मी आई ऑलवेज फोकस ऑन थिंग्स आई हैव राइट नाउ, आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव इन माई होल डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में दो बार भी नेगेटिव सोचते हो ना, नेक्स्ट डे आपका काम करने का मन नहीं नहीं करेगा, और ये यार मेरे साथ होता है। मैं आई एम एन ओवर थिंकर, द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ना बैड थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है यार, सब सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सब लोगों को रोना आता है चीजों पे, फैमिली से दूर रह रहे हो, स्ट्रगल्स कर रहे हो, बट मैं उन चीजों पे फोकस नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना मान्या, दे आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, दैट्स वाई दे आर नॉट ग्रोइंग। मैं कहती हूँ आप लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखना चाहिए जो आपको हर दिन एक
अच्छी मोटिवेशन देते हैं, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन द इन्फ्लुएंसर जो हर दिन आपको दिखाते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, लेकिन आपको उस पर फोकस ही नहीं करना है, फोकस ऑन योर ग्रोथ। ट्रू अगर आपके पास एक दिन में 10 चीजें हैं करने को तो आपको वो चीजें सोचने का टाइम ही नहीं लगेगा। सही बात है यार। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि लोग जो डाउनफॉल्स है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ अपने ग्रोथ पे फोकस करने में। सो थैंक यू सो मच, आपका ये एक थॉट काफी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा आगे लाइफ में। I really wish. आई होप सो करे मोटिवेट, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिकली ये मोटिवेशन चाहिए आज की डेट में। वो भी PR होंगे, ऐसा तो नहीं है, और PR होने के लिए उनको पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल्स एंड थिंक अबाउट योर ग्रोथ ओनली। सो ओके अदिति, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, चलो ठीक है, हमने बहुत पॉजिटिविटी वगैरह की बातें कर ली जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आई नो 9 to 5 जॉब कर करके कोई भी इंसान एक टाइम पे आके हो जाता है यार कि कुछ मुझे दूसरा करना है, अभी बहुत हो गया। तो आप कुछ ऐसे साइड पे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी हॉबी, ऐसा कुछ है जो आप करते हो? ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ है, ओ तभी आई डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि ओके मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। सो आई एम डूइंग माई 9 to 5 जॉब, आई एम डूइंग माई जर्नी एज अ इन्फ्लुएंसर, आई हैव माई यूट्यूब चैनल एंड वाह आई एम ऑल्सो हैविंग माई हॉबी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बट नाउ आई टर्न इन टू प्रोफेशनलिज्म। आई जस्ट लॉन्च माई पेज फ्यू मंथ्स बैक, सो आई एम फोकसिंग एंड लर्निंग मोर अबाउट मेकअप एंड लाइक गेटिंग आई बट थोड़ा सा उसमें ये हो जाता है कि जब आपका एक साइड बिजनेस होता है तो आपकी 9 to 5 की जॉब के साथ टाइमिंग्स का इशू हो जाता है, हाँ तो आप टाइमिंग्स के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होते हो, तो उसमें आप कम कर पाते हो, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई कीप ऑन लर्निंग थिंग्स, आई डोंट फोकस ऑन अदर थिंग्स, आई फोकस हाउ टू ग्रो माई लाइक स्किल और उस पे और ज्यादा मेहनत करी कैसे जाए और उसको कैसे और ज्यादा टाइम दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग लास्ट, दैट आई यूज टू डू बिजनेस बैक इन इंडिया, वाह सो आई लॉन्च्ड हियर अ परफ्यूम, और यू कैन कॉल ऊद, विच आई एम सेलिंग हियर, सो आई एम ऑल्सो वर्किंग पार्ट टाइम एज ए एंटरप्रेन्योर हियर, सो वाह लाइक इट्स लाइक समथिंग दैट आई कीप ऑन डूइंग थिंग्स, लाइक आई कीप ऑन गेटिंग आइडियाज फ्रॉम पीपल, मेरे को लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। एक लास्ट टिप मैं देना चाहूंगी जो मैंने कनाडा में आके किया है, आप किसी से भी मिलते हो, इफ यू डोंट वांट टू एक्सचेंज योर नंबर्स, जस्ट फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कौन कहाँ पे आपको किस टाइम काम आ जाए, काम आ जाए। सही बात है, एंड नेटवर्किंग इज द की बिगेस्ट थिंग या इन कनाडा। आफ्टर कम्युनिकेशन यू से नेटवर्किंग इज द बेस्ट जैसे थिंग। मैं इनको हाँ जानती भी नहीं थी, आउट ऑफ या नोवेयर आउट ऑफ वी कनेक्टेड, एंड अभी हम बैठ के अपनी लाइफ शेयर कर रहे शेयर हैं एक दूसरे के करें, साथ। एंड नाउ आई बिलीव कि हम जब तक भी कनाडा में होंगे वी विल बी गेट इन ऑब्वियसली। टच। एंड हाँ एक मैं छोटी सी दैट वाज समथिंग दैट यू शुड टेल, दैट इज समथिंग वाज रियली मेकअप तो मैं एक्चुअली बिल्कुल मेकअप की फैन हूँ, लोगों ने मेरे वीडियोस देखे। हाँ मेरा ऐसा है कि मैं सुबह उठ के भी, मेरे को कुछ दिमाग में आया, मैं ऐसे झल्ली की तरह बैठ जाऊंगी कैमरे के साथ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या जा रहा है कैमरे पे, जो है वो नेचुरल है। बट अभी मैं मेकअप करके बैठी हूँ एंड ये मेकअप अदिति जैन ने करके दिया मुझे। मैंने बोला यार थोड़ा ही करना है, मुझे ज्यादा मेकअप, और इतना लाइट और इतना परफेक्ट मेकअप किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। दैट्स नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ मेकअप, बट फॉर अ हाँ गर्ल बट लाइक हर, या आई एम अ टॉम बॉय बेसिकली, मेरे कपड़ों से आपको पता चल फॉर अ जाओगे। गर्ल लाइक हर, लिटिल जस्ट बेस एंड लाइक या लाइनर इज मेकअप, सो एंड मैं अब डेफिनेटली आपसे मिलती रहूंगी, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं मेरे फ्रेंड्स भी वहीं रहते हैं, तो अब आना जाना लगा रहेगा, मैं आपको परेशान करती रहूंगी श्योर श्योर आके। एनी टाइम, इवन फॉर योर व्यूज ऑल्सो, या आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉर श्योर शेयर कर डिस्क्रिप्शन देना, में मैं डालने ही सब वाली कुछ हूँ। शेयर कर देना, एनी टाइम गाइज यू कैन रीच मी आउट। इसने मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे रीच किया है, हम यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर डूइंग आर वर्क बट वी आर हेयर फॉर मेकिंग मनी, बट एग्जैक्टली डेफिनेटली आई एम ऑल्सो हेयर फॉर हेल्पिंग पीपल आउट इन देयर ग्रोथ। आई एम ऑल 24/7 अवेलेबल फॉर पीपल स्ट्रगलिंग हेयर इन देयर लाइफ। इसने मुझे सिर्फ दो बार मैसेज किया था, या आई डोंट लाइक टू रिप्लाई ऑन मैसेजेस, जस्ट ड्रॉप योर नंबर इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस,
whenever I get time, I will definitely call you For back. sure. Because I don't like to spend so much time on chats and explain, getting your points and then explaining myself. It's better to. It's better to talk. Yeah. So if you feel like that you need me anywhere in your journey, I am here. For you and for your viewers. That's so sweet of you, Aditi. Yeah. Because in Canada, logo ko nahi hota yaar. Tu jo kar raha hai karna. Main and kya one more thing, main aaj batati hu. I don't know everything. Mujhe jiske baare mein pata hoga, main bataungi. Lekin jiske baare mein nahi pata hoga, I will never give you wrong information. That's that is so the another thing. Yahan par, please, jo bhi koi hai, main tumhe bhi bolungi. Mana, you are in this field. Agar tum apne channel pe kuch bhi de rahi ho, tab tak mat dena jab tak tum tumhe sure nahi ho. Pura information, exactly. Just because ki somebody is posting, don't do it. जब तक तुमने उसके बारे में कहीं अच्छे से पढ़ा है, एक प्रॉपर वेबसाइट से पढ़ा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये इश्यू किया है या कुछ भी, एनीथिंग जो भी है यहाँ पे, जस्ट गिव इट रियल, बी रियल, बिकॉज रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यू शुड ऑलवेज गिव लेस इन्फॉर्मेशन. ट्रू, दैट्स ट्रू. या okay, so thank you so much, Aditi, for sharing your just whole one thing journey. I want to tell you guys, my YouTube channel name is Aditi Jain. Main description mein dal dungi pakka, and bahut acha content banate, maine videos dekhe, maza aata hai dekhe. Thank you. So thank you so much, Aditi, for sharing your journey and coming on my channel. That's a big thing for me, and I hope you get everything you have wished for in your life. Thank you so much. Blessings are always most welcome for me. This is what you need in Canada, basically. Exactly, exactly. And I also wish you, Mana, ki jitne bhi bade bade influencers hain, I am not even one of them right now, but will be soon. Yeah. I am always looking for that. But definitely you will get on your YouTube channel in coming year. Yeah. And I wish you the bestest. Thank Whenever you, you so need much. Me, I'm there for you. Thank you so much. So guys, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, जल्दी से कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जैक्टली और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.